खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अगले आधे घंटे में दिन की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाजिर हैं हम पांच एंकर पंचनामा के साथ। राजनीति से लेकर खेल तक की हर हलचल आपके सामने होगी। बिल्कुल रोमाना, आज की बड़ी खबरों में मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में पहले ममता से सीटें छीनी और अब ममता बनर्जी के विधायक भी मोदीमय हो गए। मांद्रा, मोदी की बड़ी जीत का साइड इफेक्ट पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने का खतरा बना हुआ है। पूरी खबर दिखाएंगे। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन इमरान खान की है नो एंट्री। तो चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की उस खबर से जिसने पूरे देश को चिंतित कर रखा है। दरअसल यूपी के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल है। बाराबंकी के इन घरों में मातम छाया है। जहरीली शराब ने घर के चिराग बुझा दिए हैं। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज इलाके का है, जहां एक शराब के ठेके से लोगों ने मिलावटी शराब खरीदी, जिसे पीते ही अचानक उनको देखना बंद हो गया और फिर हालत ऐसी बिगड़ी कि कई लोगों की घर पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ बीमार लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गए हैं। खुद सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अंदर आयुक्त अयोध्या, आबकारी आयुक्त, आईजी अयोध्या, ये सब लोग संयुक्त जांच करेंगे और 48 घंटे में रिपोर्ट देंगे। इस मामले में डीईओ बाराबंकी शिव नारायण दुबे, आबकारी निरीक्षक राम तीरथ मौर्य, 3 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और इस घटना के बाद राजनीति जमकर शुरू हो गई है। योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि शराब माफियाओं के आगे यूपी सरकार मजबूर है। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट की नाक के नीचे जहरीली शराब खुलेआम बिक रही है, लोगों की जान जा रही है। आखिर शराब माफियाओं के आगे क्यों मजबूर है उत्तर प्रदेश सरकार? बता दें कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से भारी संख्या में मौत हुई थी। सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 98 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार जहरीली शराब सरकारी दुकान में बिकी, जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सहारनपुर वाला, कुशीनगर वाला कच्ची शराब से जुड़ा हुआ था, जो दोनों प्रदेशों के सीमा के उस पार से हुए थे। ये मेरे विभाग का ही एक अनुव्यापी है और ये बहुत दुखद बात है। लगातार हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर तत्काल हम लोग ने बहुत समझाने के बावजूद भी और सख्ती करने के बाद भी आज भी उसमें सुधार की आवश्यकता है और इसी सुधार की कमी के वजह से आज ये घटनाएं लगातार हो रही है। और अब आज की अगली बड़ी खबर, करारी हार के बाद कांग्रेस में कोहराम जारी है। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 4 दिनों में सिर्फ अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी से बात की है और उनके सामने शर्त रखी कि वो अध्यक्ष तभी बने रहेंगे जब उन्हें कड़े फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। राहुल को सुरजेवाला और अहमद पटेल ने भरोसा दिया कि वो जिस तरह से चाहेंगे पार्टी वैसे ही चलेगी। जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कांग्रेस का हर फैसला लेने के लिए राहुल को खुली छूट दी गई। इसके बाद ही राहुल अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए माने। तो हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस में। राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तलवार लटक रही है। आज राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की। अशोक गहलोत ने सोमवार को राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने समय नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक गहलोत आज राहुल गांधी के घर पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई, राहुल से नहीं। वहीं गहलोत से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। राजस्थान में बीजेपी के क्लीन स्वीप का एक कारण राजस्थान कांग्रेस के अंदर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच के मतभेदों को भी माना जा रहा है। सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव मैदान में उतरें। इसको लेकर राजस्थान में गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला गया। गहलोत ने राजस्थान में 130 रैली और जनसभाएं की, जिनमें 93 अकेले उन्होंने बेटे वैभव गहलोत के लिए जोधपुर में ही की। हालांकि 93 सभाएं करने के बाद भी वैभव हार गए। इसके बाद खाद्य मंत्री रमेश चंद्र मीणा और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हार की समीक्षा की मांग की। माना जा रहा है कि गहलोत पर इस्तीफे का दबाव है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है।
जब गहलोत जब दिल्ली से जयपुर की ओर निकले तो उन्होंने ये एक ब्यौरा जारी किया और कहा कि 93 रैलियां जो उन्होंने अपने बेटे के लिए की ये सिर्फ एक भ्रम फैलाए जाने के लिए लोग उनके बारे में फैला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में घमासान मचा हुआ है तो मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही है। हालांकि कमलनाथ ने फिर साफ किया है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पहले एमपी में कांग्रेस सरकार के संकट पर कमलनाथ को सुन लीजिए। कल हमने विधायक दल की बैठक करी, सब आए थे। कोई गवर्नमेंट को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और फ्लोर टेस्ट कराना है, कर लेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट मिली, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते। कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं, लेकिन सरकार का समर्थन कर रही बीएसपी विधायक का आरोप है कि सरकार छोड़ने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश हुई है। मंत्री पद जो चाहें आप वो देंगे, जो भी आप पैसा चाहेंगे वो देंगे, 50 करोड़ और भी जो तुम्हारी आ गए आप बोलो। बीएसपी विधायक ने तो पेशकश ठुकराने की बात कही, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर से ही एक पेशकश आई है, उसे ठुकराना कमलनाथ के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि स्वतः ही अध्यक्ष पद किसी और व्यक्ति को देना चाहते थे और मुझे लगता है आप देंगे। कुल 100% अगर ऐसा है सिंधिया जी को मिलती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में युवाओं में एक नई स्फूर्ति आएगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आज वीर सावरकर की जयंती है, इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने कहा है कि देश के बंटवारे की असली वजह वही है। देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग नेहरू जी का इसमें दोष देखते हैं, लेकिन दरअसल जिन्ना ने देश का बंटवारा किया और उसके 16 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर में जो हिंदू महासभा के नेता थे और उन्होंने धर्म आधारित हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी, बीजारोपण सावरकर ने किया था और उसे पूरा करने का काम जिन्ना ने किया। और अब बताते हैं आपको, बीजेपी से भोपाल से सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने आज कह दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो नारा है ये नारा ही गलत है, ये तो कांग्रेस की साजिश है। सिखों को अलग करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदुओं से कब सिखों को अलग कर दिया हमें पता भी नहीं चला। जब हम पढ़ते थे तो नारा लगाते थे, हमारे पिताजी ने कहा ये नारा बहुत गलत है, हिंदुत्व के लिए हमारे तेग बहादुर सिंह जी से लेकर के और नन्हे मुन्ने जोरावर सिंह फतेह सिंह, उनके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र अजीत सिंह जुझार सिंह, इन 4 पुत्रों ने बलिदान दिया, लेकिन नन्हे मुन्ने जोरावर सिंह फतेह सिंह तक ने बलिदान दिया है इस हिंदुत्व के लिए, इस राष्ट्र के लिए। इसलिए हम ये नारा कभी नहीं लगा सकते, बलिदानियों की भूमि ये हिंदुत्व की भूमि है, इसलिए हम सब हिंदू हैं और उसके बाद हम इनको अलग नहीं कर सकते। मोदी के हाथों हार के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज है। आरजेडी में तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी। आरजेडी के विधायक महेश्वर यादव ने तेजस्वी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और हार के बाद तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर दी है। बार बार परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, अन्य जाति के या अन्य वर्ग के लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता है, पार्टी के पद पर या मुख्यमंत्री विधान परिषद वगैरह तमाम जगहों पर कहीं भी, इसीलिए बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हो गई। वहीं आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी अब तेजस्वी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी की वजह से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। हर एक पार्टी को अपने अपने हार की समीक्षा करनी चाहिए। बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया, वहीं महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी कांग्रेस के खाते में गई, जबकि आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। तो बिहार का हाल आपने देखा। बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां आज ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा। टीएमसी के 2 एमएलए आज बीजेपी में शामिल हो गए।
पहले आम चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी से सीट छीनी और अब उनके एमएलए आज टीएमसी के विधायक शुभ्रांशु रॉय और तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए। शुभ्रांशु मुकुल रॉय के बेटे हैं। इनके अलावा सीपीएम के देवेंद्र रॉय ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांचरापाड़ा के नगर पालिका चेयरमैन समेत आज 50 से ज्यादा कॉर्पोरेटर तो यहाँ पर हैं, 3 एमएलए हैं। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। 17 सभासद भी बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया था कि टीएमसी के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। लोकसभा चुनावों से ही पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा देखने को मिल रही है, उसी का एक उदाहरण आज भी हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विजयी जुलूस पर बम से हमला किया गया, आरोप ममता बनर्जी के समर्थकों पर लग रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विजय जुलूस कल शाम करीब 4:30 बजे बम धमाकों से गूंज उठा। बीरभूम के मयूरेश्वर इलाके में बीजेपी के जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में 4 लोग जख्मी हुए। बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उनके सामने ही खुलेआम देसी बम फोड़े गए। हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है। वहीं टीएमसी के नेता कह रहे हैं, ऐसी घटना तो बीजेपी की कारगुजारी का नतीजा है। वो लोग जुलूस निकालता है और दूसरा के गाली देता है, इसीलिए थोड़ा उत्तेजना होता है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन हम ये बोल सकता है कि टीएमसी का आदमी उसमें कोई उसका पार्ट नहीं था। तो अमांदा, देखा आपने, पश्चिम बंगाल में हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। इस फैसले पर अब पाकिस्तान अपना दुखड़ा रो रहा है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया गया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस बार न्योता नहीं दिया गया। अब पाकिस्तान इसे पीएम मोदी की मजबूरी बता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के अखबार को दिए बयान में कहा, भारत की अंदरूनी राजनीति ने उन्हें पाकिस्तान को न्योता न भेजने पर मजबूर किया। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर जीत की बधाई दी थी, लेकिन चुनाव के दौरान और पहले भी पाकिस्तान आतंकी हमले कराने से बाज नहीं आया। 30 मई को नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले 2014 में पीएम पद के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को न्योता भेजा गया था। और आइए आगे बढ़ते, एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये जो वीडियो है वो पंजाब के होशियारपुर का है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दोनों पार्टियों के बीच किस तरीके से जमकर मारपीट हुई, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। ये पंजाब के होशियारपुर के सरकारी अस्पताल का माइनर ओटी वार्ड है। जो पिट रहा है वो बीजेपी पार्षद के समर्थक हैं और जो पीट रहे हैं वो कांग्रेसी पार्षद के। हमले में सिर्फ हाथ पैर ही नहीं चले, माइनर ओटी में मौजूद उपकरणों से भी जमकर मारपीट हुई। दरअसल ये मारपीट बीजेपी पार्षद अशोक कुमार शोकी और कांग्रेस पार्षद कमलजीत उर्फ कम्मा के बीच पुरानी अदावत का नतीजा है। अशोक कुमार शोकी के भांजे पर ड्रग केस डालने के मामले में कमलजीत कम्मा पर NDPS एक्ट में केस दर्ज है। और अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के नरोवाल में गुरु नानक देव के महल को ढहा दिया गया है। बवाल हुआ तो अब जिला प्रशासन ने FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। ये पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित ऐतिहासिक गुरु नानक महल में तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। स्थानीय अधिकारियों के मिली भगत से यहां तोड़फोड़ हुई और कीमती सामान लोग उठाकर ले गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तानी पीएम और औकाफ बोर्ड को पत्र लिखकर इस पर एतराज जताया है। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की दीवार पर गुरु नानक देव के अलावा हिंदू शासकों और राजकुमारों की तस्वीरें थी। अब बवाल और पूरे विश्व में थूथू होने के बाद जिला प्रशासन ने FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। और अब खबर देश भर की महिलाओं के हित की। गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 3 विभागों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला आयोग, कानून मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खतरा हो तो गर्भपात की सीमा बढ़ाई जाए। अभी तक गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्ते है। MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को हटाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। याचिका में कहा गया है कि अधिकांश मामलों में गंभीर बीमारियों का पता 20 हफ्ते के बाद ही पता चलता है, इसलिए कानून प्रासंगिक नहीं है। याचिका में समय सीमा 24 या 26 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग है।
याचिका में ये भी सिफारिश है कि अविवाहित महिलाओं और विधवाओं को भी कानून के तहत वैधानिक गर्भपात की अनुमति मिले। अब 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट मामले पर अगली सुनवाई करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो एनडीए के लिए खुशी की खबर है। लोकसभा में प्रचंड जीत के बाद एनडीए अब राज्यसभा में भी बहुमत पाने के करीब है। नवंबर 2020 तक राज्यसभा में भी उसकी तूती बोल सकती है। राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार कई मुद्दों पर अपने बिल पास नहीं करवा सकी। ट्रिपल तलाक और एनआरसी बिल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्यसभा में पास नहीं हुए, लेकिन अब ये दिक्कत दूर हो सकती है। राज्यसभा की मौजूदा स्थिति देखिए तो एनडीए के 102 सदस्य हैं, जबकि यूपीए के 65, अन्य के 73 सदस्य हैं। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सदस्य चाहिए। अब 2019 में राज्यसभा में 10 सीटें खाली होंगी, जबकि 2020 में 72 सीटें। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत के लिए 2019 में 3 चुनाव जीतने होंगे। 2019 में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ये तीनों राज्य जीती तो राज्यसभा में बहुमत पक्का हो जाएगा। और खबर झारखंड से, जहां के सरायकेला में सीआरपीएफ जवानों पर नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 15 जवान जख्मी। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि रायसिंदरी के पहाड़ों पर यह धमाका सुबह करीब 5 बजे हुआ, जिसमें कोबरा जगुआर यूनिट के जवान बुरी तरह घायल हो गए। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। कोबरा और जगुआर की टीमें उस एरिया में गई थी और वहां पे सैकड़ों की संख्या में एंटी पर्सनल माइन नक्सलियों के द्वारा ट्रिगर किया गया। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है और हम पूरी तरह से संकल्प के तहत उस एरिया को नक्सलियों से मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। नक्सलियों ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए यहाँ बारूदी सुरंग बिछाई थी। फिलहाल यहाँ भारी बल में जवानों को तैनात किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर पुलिस की बर्बरता को दिखाती है। महिला को बेल्ट से पीटने वाला ये हेड कांस्टेबल रोहित है। वर्दी में दिखाई दे रहा हेड कांस्टेबल बलदेव है और तीसरा सफेद टी शर्ट में हरपाल है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इन 5 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो अक्टूबर 2018 का है। पुलिस के मुताबिक आदर्श नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्क में महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में है। जैसे ही पुलिस पहुंची तो युवक भाग निकला। आरोपी पुलिस वालों ने इस महिला को पकड़कर पूछताछ की और बुरी तरह से मारा, जो कि वीडियो में साफ है। पुलिस ने इन सभी 5 आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत भी मंजूर कर ली है। पुलिस की बर्बरता की तस्वीर आपने देखी, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ग्रामीण महिला और पुरुष लाठी डंडे से पुलिस वालों को पीट रहे हैं। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के कांटी का है, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम करके हंगामा किया। लोगों को शांत कराने पहुंची पुलिस को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित थे जो लोग, उग्र थे, हम लोग चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चीज जो चिन्हित हो जाते हैं उस पर हम लोग नेम फायर करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे।